हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस ट्रेडर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रेड लेने वाले, उसके पहले मैं कुछ लेवल्स बना लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, मार्केट में जब ऐसे बायर्स और सेलर्स दोनों अवेलेबल हो तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि बीच में से ही बायर्स का कैंडल देखने को मिलती है। मतलब एक कंटिन्यूस मोमेंटम नहीं है, देखो यहाँ पे जैसे सेलर्स का था वैसे नहीं है। थोड़ा सा आपको देखो, आप थोड़ा सा आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, 5 मिनट में भी जाके आप देख सकते हो किस तरह से कैंडल्स बन रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है। अभी देखो, स्ट्रॉन्ग कैंडल जा रही है नीचे की तरफ ही। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बाइंग लेवल बना लूंगा 5 मिनट में जाके। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक लेवल बना दिया, इस लेवल को तो उसने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक भी बना दिया। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे देखो एक स्ट्रांग मोमेंटम है, तो यहाँ से भी एक ट्रेड हम लोग ले लेंगे। थोड़ा मार्जिन सेफ्टी का वेट करेंगे। देखो बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है, लेकिन देखो एक स्ट्रांग मोमेंटम था और नीचे गैप भी था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते थे गैप भी है, इसको रिजेक्शन जरूर मिलना चाहिए और एक स्ट्रांग मोमेंटम है। देखो 5 मिनट में जाके हमने देखा भी था कि स्ट्रांगली सेलर्स नीचे जाने की कोशिश करें। सेकेंडिंग आप देख सकते हो, तो यहाँ पे नीचे गैप भी है। मैंने जो नेक्स्ट लेवल बनाई थी 5 मिनट में जाके, तो उसी लेवल में और उसमें गैप है। थोड़ा सा मैं वो भी बता देता हूँ कि 5 मिनट में कौन सी लेवल हमने बनाई थी। पहले इसको ट्रेड को विन होने दो। ओके ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने कौन सी लेवल बनाई है वो भी आपको मैं बता। देखो यहाँ से, यहाँ पे जो ये जो रिजेक्शन था, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ से मोमेंटम उसने पकड़ा था। तो सेलर्स जब भी इतने स्ट्रांगली आ रहे तो एटलीस्ट इस लेवल तक तो जाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, अभी देखते हैं 1 मिनट में जाके वापस से। ठीक है, देखो अभी उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं दिया है उसने। ठीक है, नीचे बायस लेवल कहाँ पे है, यहाँ पे 2-3 बार रिजेक्शन मिला है। थोड़ा सा जोन भी बना लेंगे उसका। ठीक है, अभी भी देखो मार्केट में अभी भी लेवल में और उसमें गैप है, थोड़ा सा इसके फॉर्मेशन पे भी ध्यान रखेंगे, कैंडल के फॉर्मेशन। तो फिलहाल अमाउंट कम कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आके फाइटिंग स्पीड खत्म हो गई थी, लेकिन यहाँ पे इसने बता दिया कि सेलर्स अभी भी एक्टिव है। तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा तो मैं नीचे का ट्रेड प्लेस कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। देखो मार्केट को और नीचे जाना चाहिए, ये कैंडल अगर रेड नहीं बनती तो मैं सेलर्स के लिए ट्रेड नहीं प्लेस करता, लेकिन ये कैंडल जो है वो सेलर्स की बनी। आप देख सकते हो ये कैंडल, यहाँ पे देखो जैसे ही बायस लेवल को टच कर दिया था, तो यहाँ पे कोई फाइटिंग स्पिरिट मतलब कोई रिजेक्शन नहीं था। लेकिन देखो आपको क्या करना है, ऐसे लेवल पे कुछ दिख जाए लेकिन उसके बाद अगर सेलर्स का ही कंफर्मेशन मिला तो आप ट्रेड ले सकते हो विथ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये थोड़ा सा अपना बीच में लग गया है, लेकिन ये भी ट्रेड अपना विन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं, अभी भी नीचे थोड़े से बायस अवेलेबल है। ठीक है, स्ट्रांग मोमेंटम है देखो। ठीक है, इस कैंडल का वेट करते हैं। जो इस कैंडल, ये जो कैंडल बनी है ना, ये इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ऑल्दो ये देखो सेलर्स फाइट करते करते आ रहे थे और ये एकदम बड़ी बनी है। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आके सेलर्स थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए थे, एक रिजेक्शन दे सकते हैं। तो मार्केट नीचे गया, जैसे लेवल को टच कर दिया मैंने ऊपर का ट्रेड प्लेस कर दिया। ओके ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो क्या होता है, बताए आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे फाइट किया बायस के साथ, ये बायस लेवल थी हमने जो बनाई थी, आप वीडियो पे देख सकते हो पीछे जाके। तो ये बनाई थी, यहाँ पे देखो सेलर्स ने एंट्री दिखाई, इसलिए हमने इस यहाँ पे सेलर्स के लिए प्लेस कर दिया। लेकिन देखो ये जो कैंडल बनी है ना, ये पूरी एग्जॉस्टिंग, इसको मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो इसमें रिजेक्शन नहीं है ऊपर की साइड, तो इस वजह से मैं इसको एग्जॉस्टिंग बोल दिया कि यहाँ पे आके सेलर्स की ताकत खत्म हो गई। तो जैसे ही मैंने लेवल को टच कर दिया मैंने ऊपर का ट्रेड प्लेस कर दिया, ये भी देखो ट्रेड अपना विन हो चुका है। तो इसी देखो इसी तरह से आपको प्रॉपरली समझना है मार्केट को और फिर जाके ट्रेड प्लेस करना है। ओके, थोड़ा वेट करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो
आपको मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने कहाँ कहाँ पे बनाया था लेवल्स। ये देखो ये बाइंग लेवल यहाँ से बनाई थी हमने, ओके। उसके बाद देखो ये एक बनाई थी, और उसके बाद देखो ये वाली, यहाँ पे देखो दो तीन ट्रांजेक्शन, राइट। वही हमने देख के सारे ट्रेड प्लेस किए। इसी तरह से प्रॉपर लेवल ड्रॉ करो, मार्केट को ठीक से समझो। देखो ये इतना इतना बड़ा मोमेंटम था इसका, अच्छा खासा मोमेंटम था, लेकिन देखो यहाँ पे उसने फाइट किया, ठीक है, यहाँ पे बायस के लिए फाइट किया, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन सेलर्स का मिला, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की। लेकिन ये जो कैंडल बनी है ना, ये इन इन दो कैंडल के से भी छोटी बननी चाहिए थी। अगर बननी भी चाहिए तो दोनों तरफ रिजेक्शन, अगर सेलर्स उतनी पावरफुल होते तो बड़ी रिजेक्शन चाहिए थे, लेकिन आप देख सकते हो कि इस कैंडल में रिजेक्शन ही नहीं है पावरफुल। तो रिजेक्शन नहीं है मतलब फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। तो फाइटिंग स्पिरिट के बारे में मैं फ्री सेक्शन में भी बताता हूँ कि फाइटिंग स्पिरिट होते क्या है सैटरडे संडे पे। तो अगर आप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो लिंक तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो इसी तरह से ट्रेड प्लेस करना है, इसी तरह से मार्केट को समझना है। ट्रेंड अच्छा हो तो उसमें आप अच्छे तरह से ट्रेड प्लेस कर सकते हो, लेकिन वहां पे प्रॉपर लेवल थोड़े से बनाने पड़ते हैं, तो वो भी आप इस वीडियो में से सीख जाओगे कैसे बनाना है करके। तो ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर। अगर जो नए हैं तो वो लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, सब्सक्राइब भी कर सकते, और जो पुराने हैं वो एटलीस्ट लाइक तो कर सकते। ओके ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।